हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बिना मर्जी के शादी। मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, रात को मैं खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या, राजीव अंदर आया, दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदले, नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाएं, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। मेरा सिर फूलों और जोड़े से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। मैंने अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकाल कर पहनी और फिर बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो देखा राजीव ऑफिस के लिए जा चुका था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। दो कमरों का फ्लैट बालकनी समेत राजीव को ऑफिस की तरफ से मिला था। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि राजीव और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। मुझको पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर राजीव ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया और फिर चाय पीने के बाद मैं घर को संवारने में लग गई। शाम को राजीव के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही राजीव ने कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। मैं चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर राजीव डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं पर दो बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर मुझको वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। राजीव ऑफिस से आते, खाना खाने के बाद सो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। 6ठे दिन मैंने सोने से पहले राजीव को रोक लिया, आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है, राजीव ने चीर परिचित अंदाज में कहा। प्लीज कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए, बोलो क्या कहना चाहती हो, राजीव अनमनासा बोला। आप मुझसे नाराज हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था, पर शादी तो आपने की है। मुझको भी गुस्सा आ गया। जानता हूँ, और कुछ? राजीव चढ़कर बोला, मैं समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। मैं बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं, और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या? क्या हम कुछ दिनों के लिए दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब? राजीव को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है और हो सकता है फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊं। 3 सालों के लिए उस दौरान आपको जो भी उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। राजीव को
इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर हम दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे, शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। मैं कॉलेज गर्ल की तरह ही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। हमें साथ देखकर कोई हमको प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे हो या काके द होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और मेरे पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे राजीव को भी मेरी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को राजीव ऑफिस से लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो मैं पढ़ाई कर रही थी, खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ, उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं, मुझको एक आइडिया सूझा। मैंने सुना है फाजिल नगर फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती हैं, क्यों ना वहीं ट्राई करें? क्या? राजीव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं, आज हम भी चलेंगे। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे, कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर बढ़िया रहेगा, हमें वहाँ कौन जानता है। वहाँ पर पराठे चाय का राजीव के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। अब राजीव को भी मेरा साथ अच्छा लग रहा था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब मेरा इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटा कर मैं फटाफट इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। वहाँ मेरे और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। मेरे जवाबों ने अधिकारियों को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। मैं दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, दोस्तों हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। मैं सोच रही थी कि बस लूं या ऑटो, तभी मेरा ध्यान गया कि पेड़ के नीचे राजीव मेरा इंतजार कर रहा है। मुझको अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर मैं बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए, बधाई हो आयशा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजीव ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए हम दोनों सो गए। शाम को मैं हड़बड़ाकर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो राजीव ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। ओके, मैं अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो, राजीव ने पूछा। जी, आपके साथ एक महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से एक हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज, मैं मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ आयशा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ, राजीव ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए, हम एक महीना दोस्तों की तरह रहें, क्या यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस एक महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात मैंने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया। धीरे धीरे राजीव के आगोश में समा कर राजीव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।